सिल्स एंड मीडिएटर्स ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, यहाँ पर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की तीन करेक्टरिस्टिक्स बताती है कि बहुत सारे सिल्स के क्या होते हैं, पहले इन्फिल्ट्रेशन होते हैं वेजोडाइलेशन की वजह से, दूसरा वहां पर जो लोकल टिश्यूज होते हैं उनका भी डैमेज होता है और जो इन्वेडेड माइक्रोब्स होते हैं उनका भी डैमेज होता है, तीसरा वहां पर फाइब्रोसिस होते हैं यानी कि रिपेयर प्रोसेस में वहां पर एक स्कार बनता है। ये क्यों बनता है? क्योंकि यहां पर डिफरेंट सिल्स और मीडिएटर्स की एक्टिवेशन होती है। तो पहला सिल्स ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जो डिस्कस करते हैं वो क्या है, मैक्रोफेज। तो रोल ऑफ मैक्रोफेज पढ़ते हैं। अब मैक्रोफेजेस जो है ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के डोमिनेंट सेल्स है और ये काम इस तरह करते हैं कि ये दो चीजों को रिलीज करते हैं, सही है। वो दो चीजें क्या है, साइटोकाइंस है और ग्रोथ फैक्टर्स है, और फिर ये दोनों क्या करते हैं, डिफरेंट सेल्स की एक्टिवेशन करते हैं, स्पेसिफिकली टी लिम्फोसाइट, सही है। और फिर ये जो सेल्स होते हैं ये क्या कर देता है, ये डिस्ट्रॉय करते हैं फॉरन बॉडी को जिसने हमारे बॉडी को इन्वेड किया है। ये जो मैक्रोफेजेस है ये पेगोसाइटोसिस में क्या है, ये प्रोफेशनल है और इसी वजह से ये क्या करते हैं, एक फिल्टर की तरह काम करते हैं हमारे बॉडी से डिफरेंट पार्टिकुलेट मैटर को, माइक्रोब्स को और सेनेसेंट सेल्स जो होते हैं इनको पेगोसाइटोस करके बॉडी से क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। और ये मैक्रोफेजेस एक इफेक्टर सेल के तौर पर भी काम करते हैं क्योंकि ये खुद ही जाकर फॉरेन बॉडी से क्या करते हैं, फाइट करते हैं, उनको बॉडी से इलिमिनेट करते हैं। और ये जो हमारी सेलुलर इम्यूनिटी होती है और ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है, इन दोनों का हिस्सा होता है। सेलुलर और ह्यूमरल इम्यूनिटी में ये फर्क होता है क्योंकि ह्यूमरल इम्यूनिटी में जो एंटीजन होता है उसके खिलाफ एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनती है, जबकि सेलुलर इम्यूनिटी में ये एंटीबॉडी नहीं बनती। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इसके और बहुत फंक्शन भी है, लेकिन इसके बाद आ जाते हैं जो पैराग्राफ है इसमें क्या डिस्कस किया है, ओरिजिन ऑफ मैक्रोफेज, मतलब मैक्रोफेजेस की डेवलपमेंट किस तरह होती है। अब एक बॉडी में ये तीन जगहों पर बनते हैं, सही है। एक जो हमारे एम्ब्रियोनिक लाइफ होते हैं उसमें ये यॉर्कशायर के प्रोजेनिटर सेल्स से डिराइव होते हैं, सही है। फिर जो अर्ली डेवलपमेंट होते हैं इसमें हमारी लिवर के प्रोजेनिटर सेल से बनती है, और फिर आखिर में रेस्ट ऑफ द लाइफ इन दोनों की बात जो होती है ये कहां पर, बोन मैरो के जो हेमटोपोएटिक स्टेम सेल्स होते हैं वहां से ये डिराइव होते हैं। अब जब ये मैक्रोफेजेस बन जाते हैं ये क्या करते हैं, ये अभी तक मैक्रोफेजेस नहीं है, ये मोनोसाइट्स से ये दो जगहों पर जाते हैं, एक ये स्पेसिफिक टिश्यूज में जाते हैं यानी कि स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ द बॉडी में स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं वहां पर, और दूसरा ये सर्कुलेशन में जाते हैं। अभी जब सर्कुलेशन में होते हैं इसका साइज भी स्मॉल होता है, इसको हम क्या कहते हैं, मोनोसाइट कहते हैं। और जब ये टिश्यू स्पेसिस में फिल्टर हो जाती है, टिश्यूज में आ जाते हैं, इनका साइज इंक्रीज हो जाता है और इसको फिर हम क्या कहते हैं, मैक्रोफेजेस कहते हैं। अब यहाँ पर जो स्पेसिफिक टिश्यूज में आते हैं ये बोन मैरो से नहीं आते, ये लिवर से आते हैं और यॉर्कशायर से आते हैं, सही है। तो इन दोनों से जब ये यहाँ पर स्पेसिफिक टिश्यूज में आ जाते हैं तो वहां पर ये परसिस्टेंट रहते हैं, वहां से ये कहीं जाता नहीं है, वहां पर ये रहते हैं, सही है, चाहे इन्फ्लेमेशन हो या ना हो। तो लिवर में जो चले जाते हैं उनको बोलते हैं कफर सेल, स्प्लीन और लिम्फ नोड्स में जो चला जाते हैं उनको बोलते हैं साइनस हिस्टोसाइट्स। इसके अलावा जो सीएनएस में चले जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइक्रोग्लिया उनको कहते हैं लंग्स में अल्वियोलर मैक्रोफेजेस कहते हैं। इसके अलावा स्किन में जो जाते हैं उनको लिंगरहान सेल्स बोलते हैं, सही है। ये सब क्या बनाती है, मिलकर ये बनाती है मोनो न्यूक्लियर पेगोसाइटिक सिस्टम। इसका जो पुराना नाम है वो है रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम, ये है, इससे भी हम इसको जानते हैं, लेकिन क्या कि ये एक इनएक्यूरेट और ओल्ड नेम है। आगे कुछ सेम स्टोरी ही बताते हैं क्योंकि यहाँ पर कहते हैं कि इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में क्या होता है, सही है, कि जो बोन मैरो होते हैं वहां के प्रोजेनिटर सेल्स से मोनोसाइट्स बनती है, सही है। फिर ये सर्कुलेशन में आ जाते हैं, सर्कुलेशन में से के बाद ये कहा जाए टिश्यूज में चले जाते हैं, वहां पर ये डिफरेंशिएट होते हैं ये मोनोसाइट किस चीज में, मैक्रोफेजेस में डिफरेंशिएट होते हैं। लेकिन जो सर्कुलेशन से जब ये टिश्यूज में आ जाते हैं ये जिन फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं वो सेम एज किस चीज के लिए है, जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में न्यूट्रोफिल्स के लिए था, जिस तरह क्या था, एडहेशन था और कीमोकाइंस, सॉरी एडहेशन मॉलिक्यूल्स वहां पर उन पर डिपेंड करते थे जो इनका माइग्रेशन वगैरह करते थे, और कीमोकाइंस होते जो इनको साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन में क्या करते थे, अट्रैक्ट करते थे। आगे हाफ लाइफ के बारे में बताते हैं, तो ये बताते हैं कि जो मोनोसाइट्स होते हैं ब्लड मोनोसाइट्स इनका हाफ लाइफ क्या है, ऑलमोस्ट वन डे है, और जो मैक्रोफेजेस होते हैं इनका हाफ लाइफ मंथ्स टू इयर्स है। इसी वजह से क्या होता है ना कि जो फर्स्ट 48 आवर ऑफ इन्फ्लेमेशन होते हैं इनमें सबसे डोमिनेंट पॉपुलेशन जो होते हैं, सबसे डोमिनेंट नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं इन केस ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, से है। और जो रेजिडेंट सेल्स होती है यानी ये वाली सेल जो कपर्स वगैरह है, ये यहाँ की जो रेजिडेंट सेल्स होती है ना वो प्रोलिपरेट होकर डिफरेंशिएट होते हैं या रिप्लेनिश करते हैं किस चीज को, रेजिडेंट मैक्रोफेजेस को, चाहे इन्फ्लेमेशन हो ना हो ये यहाँ पर ही रहेंगे, सही है। लेकिन जब इन्फ्लेमेशन कोई माइक्रोब वगैरह आ जाते हैं तो ये उनके खिलाफ लड़ते हैं, और अगर ये मर जाए तो वहाँ की जो रेजिडेंट सेल्स होते हैं उनमें इतनी एबिलिटी होती है कि इन सेल्स को दोबारा क्या करें, बनाए। अब मैक्रोफेजेस की एक्टिवेशन के लिए स्टिमुलस की बेस पर क्या है, दो पाथवेज है, एक को बोलते हैं क्लासिकल मैक्रोफेज एक्टिवेशन, दूसरे को बोलते हैं अल्टरनेटिव मैक्रोफेज एक्टिवेशन। इसमें मेन चीज जो होगा वो हमारे साथ स्टिमुलस होगा, क्योंकि स्टिमुलस की बेस पर ही पाथवेज की डिफरेंशिएशन होती है।
क्लासिकल पाथवे में क्या होता है कि जो माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स होते हैं, स्पेशली एंडोटॉक्सिन्स जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सिलवाल में होते हैं, ये चले जाते हैं। ये क्या कर देते हैं, ये एक्टिवेशन करते हैं TLR रिसेप्टर्स की, टॉल लाइक रिसेप्टर्स की, जो आगे पहले हमने पढ़े हुए थे। इसके अलावा कुछ और सेंसर सेल्स की लाइक डेंड्रेटिक सेल्स जैसे ही, ये क्या कर देते हैं, डेंड्रेटिक सेल क्या कर देते हैं, ये टी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। और टी सेल्स क्या रिलीज कर देते हैं, इंटरफेरॉन गामा, सही है। तो बुक में मेंशन किया कि टी सेल डिराइव्ड सिग्नल, तो वो इसको इशारा ऐसे है। अब ये दोनों क्या करेंगे, ये चले जाकर माइक्रोपेजेस को एक्टिवेट करेंगे, लेकिन उन माइक्रोपेजेस को हम बोलेंगे M1 माइक्रोपेजेस, क्योंकि इनका फंक्शन अलग होता है, सही है। ये M1 माइक्रोपेजेस क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड को, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी को और लाइसोसोमल इंजाइम्स को। ये लाइसोसोमल इंजाइम, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी और नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करते हैं, एक तो ये जाकर जो माइक्रोब्स हो या कोई भी फॉरन बॉडी हो जो इन सेल्स ने इंजेस्ट किया है, माइक्रोपेजेस ने, उनको किल कर दिया, सही है। और इसके अलावा ये क्या करते हैं, डिफरेंट साइटोकाइंस को रिलीज करते हैं, और साइटोकाइंस का फंक्शन क्या होता है, वो इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस को फर्दर एनहांस करते हैं। तो इसका, इस पाथवे का मतलब ये हुआ कि एक तो ये माइक्रोब के खिलाफ जंग करके उसको किल करता है, दूसरा ये फर्दर एनहांस करता है इन्फ्लेमेशन प्रोसेस को, सही है। अब अल्टरनेटिव पाथवे पर आते हैं। अल्टरनेटिव पाथवे में क्या होता है कि कुछ टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो डिफरेंट साइटोकाइंस रिलीज करते हैं, एक्सेप्ट इंटरफेरॉन गामा, क्योंकि ये यहाँ पर क्लासिकल पाथवे में इन्वॉल्व है, सही है। ये भी क्या है, एक साइटोकाइन है, ये रिलीज करते हैं इंटरल्यूकिन 4 को और इंटरल्यूकिन 13 को। यह जो मैक्रोपेजेस की एक्टिवेशन होती है उनको हम कहते हैं M2 मैक्रोपेजेस। ये M2 मैक्रोपेजेस क्या होते हैं, ये माइक्रोबाइसाइडल नहीं होती है, माइक्रोब्स को किल नहीं करती, बल्कि ये क्या करते हैं, डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स को रिलीज करते हैं। और ये ग्रोथ फैक्टर किस चीज में इन्वॉल्व होते हैं, रिपेयर प्रोसेस में, जिस तरह की एंजियोजेनेसिस करते हैं, ब्लड वेसल की प्रोपरेशन वगैरह करते हैं ताकि यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स ज्यादा आ जाए। दूसरा, ये फाइब्रोब्लास्ट की एक्टिवेशन करते हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है फाइब्रोब्लास्ट इन्वॉल्व थे किस चीज में, रिपेयर ऑफ द डैमेज टिश्यूज पे। इसके अलावा ये कोलेजन जो होते हैं वो भी रिपेयर प्रोसेस में होते हैं, इनकी सिंथेसिस का स्टिमुलेशन करते हैं, सही है। अब इन दोनों प्रोसेस को पढ़ने के बाद इस तरह लगता है कि पहले जो होता है क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट होगा, वो जाकर माइक्रो को किल करेगा, और फिर अल्टरनेटिव पाथवे एक्टिवेट होगा, ये जाकर जो डैमेज टिश्यू है उनको रिपेयर करेगा। लेकिन इस तरह का सिक्वेंस बिल्कुल नहीं है, ऑब्जर्व नहीं किया है, सही है। लेकिन क्या होता है ना कि ये एक चीज को शो करते हैं, हेट्रोजिनिटी ऑफ द माइक्रोपेजेस, मतलब ये है कि माइक्रोपेजेस की दरमियान डाइवर्सिटी शो करती है, मतलब डिफरेंट माइक्रोपेजेस का डिफरेंट फंक्शंस हो सकता है, स्ट्रक्चरली भी डिफरेंट हो सकते हैं। इस डायग्राम में क्या किया कि क्लासिकल पाथवे और अल्टरनेटिव पाथवे को इन्होंने क्या किया है, डिस्कस किया ऐसे है। क्लासिकल पाथवे के लिए स्टिमुलस किया था कोई माइक्रोबियल प्रोडक्ट या साइटोकाइंस थे, जिस तरह टी सेल डेराइव साइटोकाइन था इंटरफेरॉन गामा, सी है। जब ये एक्टिवेट हो जाती थी इन माइक्रोपेजेस को हम क्या बोलते थे, M1 माइक्रोपेजेस। ये रिलीज करते थे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को, नाइट्रिक ऑक्साइड्स को और लाइसोसोमल इंजाइम्स को, और ये क्या करते थे, माइक्रोबाइसाइडल एक्शन प्रोड्यूस करते, जिस तरह के पेगोसाइटोसिस ऑफ द माइक्रोब्स, किलिंग ऑफ द बैक्टीरिया इन फंजाई वगैरह से, ये जितने भी इनवेडिंग सब्सटेंसेस थे। लेकिन यहां पर ये जो होते थे और साइटोकाइंस भी रिलीज करते, जो कि इंफ्लेमेटरी प्रोसेस को क्या करते, एनहांस करते थे। अल्टरनेटिव पाथवे में क्या होता था कि साइटोकाइंस जिस तरह इंटरल्यूकिन 4 या इंटरल्यूकिन 13 था, जो कि टी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते थे, वो M2 माइक्रोपेजेस को एक्टिवेट करते थे, सही है। और ये माइक्रोबाइसाइडल नहीं होते थे, बल्कि ये क्या करते थे, ग्रोथ फैक्टर्स को रिलीज करते, और यहाँ पर इंटरल्यूकिन 10 बताए सही है। और ये क्या करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स होती है इसमें, ये इन्फ्लेमेशन को स्टॉप कर देती है, और इसके अलावा ये हीलिंग करते थे वाउंड्स की या रिपेयर, सही है, और फाइब्रोसिस कार बना देती थी, सही है। तो यहाँ पर ये क्या कर रही थी, आप लोग देखिए, इसने इंटरल्यूकिन 1 ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, इंटरल्यूकिन 2 एंड इंटरल्यूकिन 6 इसके अलावा कीमोकाइंस क्या है बनाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस पर पॉजिटिव इफेक्ट पाता है, इसको एनहांस करती है, जबकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को ये क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं, उस पर नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। एक और बात, जो बोनमेरो वगैरह में बनते हैं ना जो माइक्रोबीज, उनको मोनोसाइट्स बोलते थे, ये सर्कुलेशन में आ जाती थी, फिर सर्कुलेशन के बाद ये कन्वर्ट होती थी किस चीज में, माइक्रोबीज में। तो अगर यहाँ पर देखें, ये माइक्रोबियल प्रोडक्ट अगर होता था, जी वो क्या करते, TLR रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते थे, और इसके ऊपर क्या होती थी, TLR लेजेंड्स होते, जो कि TLR रिसेप्टर्स के ऊपर अटैच होती थी, और इंटरफेरॉन गामा, तो इसको कन्वर्ट कर देती किस चीज में, M1 माइक्रोपेजेस में, सही है। और अगर इंटरल्यूकिन 13 आता था या इंटरल्यूकिन 4 आता था, तो इसको कन्वर्ट करती थी M2 माइक्रोपेजेस में, सही है। तो असल में ये क्या है, जो स्टिमुलस होता था उस पर डिपेंड करते हैं, अगर माइक्रोबियल प्रोडक्ट आता था तो इसको M1 में कन्वर्ट करते हैं, और अगर जो साइटोकाइंस में इंटरफेरॉन गामा के अलावा सही है, जो कि वो इस तरफ में इन्वॉल्व था, वो आ जाते तो इसको M2 माइक्रोपेजेस में कन्वर्ट करते, और अल्टरनेटिव पाथवे स्टार्ट होती है। अब क्लासिकल पाथवे और अल्टरनेटिव पाथवे के बाद यहाँ पर क्या डिस्कस करते हैं, इसका फंक्शन बताए सही है। मेनली दो फंक्शन, सीक्रेट इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह ये काम करती है। किस तरह,
के लिए कहते हैं कि जो मैक्रोफेज होते हैं, एक तो ये जो इंजूरियस एजेंट होते हैं उसको बॉडी से इलिमिनेट करती है, और जो टिश्यूज डिमेज होते हैं उनका रिपेयर प्रोसेस इनिशिएट करती है। लेकिन इसके अलावा इसका एक जो क्या कंट्राडिक्शन है वो ये है कि ये हॉस्ट टिश्यूज को भी डिमेज करते हैं और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में फिर ये ज्यादा डिमेज करता है। सही है। अब इसकी जो दो में इन्फेक्शन इन्होंने डिस्कस किया वो क्या है कि एक ये क्या करते हैं डिफरेंट मीडिएटर्स को सिक्रेट करता है। ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं इनकी साइटोप्लाज्म में डिफरेंट ग्रेन्यूल्स होते हैं जिसमें क्या होते हैं डिफरेंट साइटोकाइन स्टोर्स होते हैं, जिस तरह ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर है, इंटरल्यूकिन 1 है और कीमोकाइंस है। और इसके अलावा इकोसोनाइड्स होते हैं जिस तरह प्रोस्टोग्लैंडिन और ल्यूकोट्रिन है, जो कि हमने डिटेल में पढ़े हैं। सही है। और फिर ये जो साइटोकाइंस और इकोसोनाइड्स है ये क्या करते हैं, ये हमारे इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को एक इनिशिएट करते हैं। सही है। उसको उसकी शुरुआत करते हैं और दूसरा इनको फिर इंड्यूस करने के बाद प्रोपिगेट करते हैं। सही है। कंटिन्यूस रखते हैं, परसिस्टेंट रखते हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह ये क्या काम करते हैं, पहले ये बताया है कि एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी नहीं है। सही है। क्योंकि इसमें टी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं और यहाँ पर एक फीडबैक लूप बनता है। किस तरह, ये क्या है, एक मैक्रोफेज है। सही है। जब ये एक माइक्रोब को इंजेस्ट करता है, अपने अंदर ले आता है, लेट से ये माइक्रोब इसने इंजेस्ट किया, फिर ये इसके क्या फेगोसाइटोसिस के बाद डाइजेशन करता है, इसको तोड़ते हैं। सही है। इनके सर पर जो एपिटोप्स होते हैं जिसकी वजह से ये पहचानता है कि ये क्या है, एक फॉरन बॉडी है, उसको अलग कर देती है। सही है। इसको कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग प्रोसेस। है। जब इससे वो एंटीजन ये अलग कर देते हैं फिर उसको अपने सरफेस के ऊपर लगा लेते हैं, लीड से ये यही वाला इसका वो क्या है एपिटोप है। जब इसको ये लगा लेते हैं अपने ऊपर फिर क्या होता है, ये ये क्या है, एक किस्म के आइडेंटिटी कार्ड है इस माइक्रोब की। ये इसमें इस माइक्रोब के सारे आइडेंटिटी लिखे होते हैं, तो इसके थ्रू क्या हो जाते हैं डिफरेंट टी सेल्स जो होते हैं उनको सिग्नल दे देते हैं। सही है। ये टी सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं। इसके अलावा ये क्या कर देते हैं, इसके बाद ये इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 और इंटरल्यूकिन 12 को भी क्या कर देते हैं, रिलीज करते हैं, वो भी जाकर टी सेल्स को भी एक्टिवेट करते हैं। और इसके अलावा ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को और क्या करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं। सही है। अब जब इसको पता चल गया कि यहाँ पर इसने ये आईडी कार्ड शू किया इस माइक्रोब का, तो इसमें भी एक सिग्नल बनता है और ये इस ही टी सेल्स को एक्टिवेट करता है। इस टी सेल एक्टिवेशन के बाद ये क्या करते हैं, अगेन इंटरफेरॉन गेमा रिलीज करते हैं और इंटरल्यूकिन 2 रिलीज करते हैं। और ये क्या चीज है, ये एक्टिवेटेड करते थे ये मैक्रोफेजेस को। तो इस तरह की एक फीडबैक लूप बन गया। मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, टी सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं और टी सेल्स क्या करते हैं, मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करते हैं। और इस तरह ये जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होते हैं ये एम्पलीफाई होता जाता है। तीन बातें लास्ट पैराग्राफ में डिस्कस किया कि ये जो मीडिएटर्स होते हैं ये इन मैक्रोफेजेस को बहुत पावरफुल बना देते हैं। ये क्या है, हमारे बॉडी डिफेंस सिस्टम की आर्मी है ना, इसको बहुत ज्यादा पावरफुल बना देते हैं अगेंस्ट माइक्रोब्स वगैरह फॉरेन बॉडीज की। सही है। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा एक्सेसिवली इन माइक्रोफेजेस को एक्टिवेट कर देते हैं तो ये हमारे हॉस्ट टिश्यूज को भी बहुत ज्यादा डैमेज करेगा, जो कि क्या है, एक डिसएडवांटेज है। सही है। इसके अलावा आखिर में ये कहते हैं कि जो स्टिमुलस होता है जब ये एंड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो जो माइक्रोफेजेस होंगी ये डिसअपियर होंगी। सही है। किस तरह, या तो इनका डेथ हो जाएगा या जो हमारे लिम्फेटिक सेल है ये इसको ड्रेन करेंगे लिम्फ नोड में और वहां पर ये क्या बन जाएगी, या तो ये रिन्यू हो जाएंगे, इसका रिप्लेनिश हो जाएंगे और ये वहां पर मार देते हैं। सही है। हाँ, अगर ये स्टिमुलस नहीं रहा दूसरी सूरत हाल में, अगर ये स्टिमुलस रहा, सही है, अगर ये स्टिमुलस परसिस्टेंट रहा तो फिर क्या हो जाएगा कि ये मैक्रोफेजेस और एक्टिवेट हो जाएंगे और इसकी रिक्रूटमेंट होगी टू सेट अप इन्फ्लेमेशन में, और इस तरह इन्फ्लेमेशन प्रोसेस और एम्प्लीफाई हो जाएगा।